अभी तक आपने संग्रहालयों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको राजधानी देहरादून के विकास नगर के एक ऐसे संग्रहालय से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको घड़ी मैकेनिक मोहम्मद अफजाल ने अपने शौक और खर्चे पर बनाया है। अफजाल ने इसका नाम मिनी संग्रहालय रखा है। उनके संग्रहालय में करीब 100 साल से अधिक पुराने सामान हैं। मोहम्मद अफजाल के संग्रहालय में 150 से अधिक पुरानी घड़ियां, दर्जनों पेंटिंग, ग्रामोफोन, रेडियो, कांच के बर्तन, कैमरे, टेलीफोन और सजावटी सामान के साथ फर्नीचर भी है। ये 30-40 साल से मैं इकट्ठा कर रहा सामान। मैं घड़ी मैकेनिक हूँ, घड़ियाँ रिपेयर करता था पुरानी, उन्हीं से मुझे शौक लग गया और मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ना मैं कमाता हूँ, उसमें से कुछ बचाता हूँ, कुछ सामान खरीद लेता हूँ, कुछ घर का खर्चा चला लेता। ये अंग्रेजों के समय की बेड, सोफ़ा, फर्नीचर जितना है, जैसे कैमरे हैं, ये सब पुराने हैं, ये अंग्रेजी टाइम के ही हैं। और बस यही है कि मैं कमाता हूँ और इसमें लगा देता हूँ। सहसपुर के घड़ी मैकेनिक मोहम्मद अफजाल ने अपने शौक के लिए ये संग्रहालय बनाया है। मोहम्मद अफजाल जो भी कमाते हैं उससे अपना घर चलाते हैं और कुछ पैसे बचाकर पुरानी चीजें खरीदते हैं। उनके इस काम को क्षेत्र में खूब सराहा जा रहा है। ईटीवी भारत के लिए विकास नगर से संवाददाता टीकम वर्मा की रिपोर्ट।